सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आदेश जारी हुआ है आज प्रथम परख के जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसके बारे में कि कैसे लेना है प्रथम परख। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी कक्षा 1 से 12 तक के लिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए जो अलग अलग तरीके से जो प्रथम परख आयोजित करना है उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें ताकि सभी अपडेट हो पाएँ, क्योंकि यह प्रथम परख 9 सितंबर को सभी को व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से एक 20 प्रश्न का पेपर मिलेगा। उस समय ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से जैसे करवाना है संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 7/9/2021 का यह आदेश जारी हुआ है जिसमें समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी समग्र शिक्षा समस्त PO और UCB CEO को इसमें संबोधित करके लिखा गया है। विषय 21-22 में विद्यार्थियों के प्रथम परख के संबंध में दिशा निर्देश। इसमें बताया गया है कि उपयुक्त लेख के अंतर्गत की COVID-19 के संक्रमण के कारण 21-22 में नियमित कक्षा शिक्षण के अभाव में विद्यार्थियों के अध्ययन में निरंतरता के लिए जो सरकार द्वारा आओ घर से सीखे 2.0 और स्माइल 3 के अंतर्गत जो प्रतिदिन विषयों की वीडियो लिंक और वर्कशीट के माध्यम से जो अध्यापन करवाया गया है और जिससे विद्यार्थियों को कितना सीख पाए इसकी जांच के उद्देश्य से सितंबर माह में प्रथम मूल्यांकन किया जाना है। अब सरकारी विद्यालय में तो प्रथम जो परख होने वाला है उससे संबंधित प्रमुख दिशा निर्देश है। जैसे प्रथम परख की तिथि क्या रहेगी तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रथम परख की तिथि आपकी आपको दिखाई दे रहेगी। प्रथम परख की तिथि है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 17/21/22 में प्रथम परख 9 सितंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। इस हेतु 9 सितंबर को मूल्यांकन बीट ले लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये एक लिंक के माध्यम से होगा। ये विशेष ध्यान रखें आप कि आपको लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा 9 सितंबर 2021 को। तो आप हमारे स्माइल ग्रुप से जुड़े रहें ताकि आप अपडेट रह पाएँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मूल्यांकन है तो पाठ्यक्रम का निर्धारण। अब मूल्यांकन कौन से पाठ का होगा तो उसके लिए ना यहाँ पूरा स्पष्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से चीज़ों का इसमें समावेश किया जाएगा। तो 21/6/2021 से जो ये आरंभ हुआ है आओ घर से सीखे 2 कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को अब तक जितना भी ई कंटेंट प्रति विषय भेजा गया है उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाना है। जिन विषयों के लिए अभी तक कोई भी ई कंटेंट विवरण नहीं हुआ है वितरण नहीं हुआ है उन विषयों का मूल्यांकन अभी नहीं होगा, इसीलिए आगामी तिथि अलग से बता दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें। अगला देखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र पैटर्न क्या रहेगा। तो इसका पैटर्न आप अच्छे से समझ लें क्योंकि ये सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो इसमें 9 सितंबर 2021 को आयोजित परीक्षा में कक्षा 1 से 10 के लिए सभी विषयों का एक सम्मिलित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा 11 और 12 के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी जो अनिवार्य विषय उनका एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया जाएगा और जो वैकल्पिक विषय हैं उनके लिए प्रश्न पत्र अलग अलग उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक मूल्यांकन प्रपत्र में प्रत्येक विषय में 20 प्रश्न होंगे। ये विशेष ध्यान रखें कि एक ही साथ सभी विषयों का 1 से 8 1 से 10 के सभी विषयों का एक ही साथ पेपर आएगा और प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 20 अंक होंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मतलब अबसद वाले प्रश्न आएंगे। अब आप देखिए नीचे आपको पूरा फ्लो चार्ट यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से ये पेपर होगा और किस तरह से आप यहाँ इसमें मार्क्स देंगे। तो क्लास 1 और 2 के लिए सेशन 1 और सेशन A और B होगा, जो सेशन A में हिंदी है जो भाषा विकास वाला है और B में गणित जो बौद्धिक है। इसमें दोनों के 20-20 प्रश्न आएंगे 20-20 नंबर के। इसी तरह 3, 4 और 5 में 3 सेक्शन है, हिंदी अंग्रेजी और गणित, इन तीनों के 20-20 प्रश्न आएंगे। 6 से 10 में
आप देख पाएंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत, इस तरह से 6-5 सेक्शन है, 5-6 सेक्शन है संस्कृत। तो इन 6 के ही 20-20 प्रश्न दिए जाएंगे और अनिवार्य विषय हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य के 20-20 प्रश्न और वैकल्पिक विषय 1, 2 और 3, तीनों वैकल्पिक विषयों के। इस तरह से पूरा ये कार्यक्रम रहेगा। आगे देखते हैं आप मूल्यांकन प्रपत्रों को विद्यार्थी तक वितरण और एकत्रीकरण, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर विशेष ध्यान सभी शिक्षकों का होना चाहिए। इसमें संस्था प्रधान प्रत्येक विद्यार्थी तक मूल्यांकन प्रपत्र की पहुंच को सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु संस्था प्रधान जो विद्यार्थी डिजिटल पहुंच में है उन्हें 9 सितंबर को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मूल्यांकन प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और विद्यार्थी अपने मोबाइल से प्रथम परख पत्र प्राप्त कर अपनी कार्यपुस्तिका के मध्य के जो पिन वाला पेज होता है वहाँ लिख के उसको हल करके कक्षा अध्यापक को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करवाएंगे। आप ध्यान रखें ये कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाएंगे सभी प्रश्न पत्र, अथवा विद्यार्थी इस मूल्यांकन की प्रिंट प्रति विद्यालय से प्राप्त करेंगे जो डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़े हुए हैं या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो विद्यालय से प्रिंटेड भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों द्वारा डिजिटल पहुंच नहीं है उन विद्यार्थियों को शिक्षक को होम विजिट के दौरान मूल्यांकन प्रपत्र प्रिंट करके उपलब्ध करवाएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन हैं उन्हें शिक्षक खुद घर जाकर ये प्रिंट उपलब्ध कराएंगे और कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय आ रहे वह अपने कक्षा अध्यापक से मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त करेंगे और विद्यालय की ये प्रथम परख का विद्यालय में ही दे सकते हैं। उनके लिए कक्षा अध्यापक एक रजिस्टर संधारण कर 10 सितंबर तक मूल्यांकन प्रपत्र का वितरण प्रत्येक विद्यार्थी तक हो चुका है ये सुनिश्चित करेंगे तथा संस्था प्रधान को रिपोर्ट करेंगे। ये विशेष नोट ध्यान रखें कि इसकी रिपोर्ट कक्षा अध्यापक को अपने संस्था प्रधान को उपलब्ध करवानी है, मतलब ये सारा जो भी मूल्यांकन है वो कक्षा अध्यापक ही वितरित करेगा बच्चों को और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं 13 सितंबर को विद्यार्थी से मूल्यांकन प्रपत्र की हल की गई हार्ड कॉपी का एकत्रीकरण करें। आप विशेष ध्यान रखें कि हमें 9 से 9 को वितरित करना है, 10 तक सभी को वितरित कर देना है और 13 तक सभी से वापस ले लेना है। सभी विद्यार्थियों से हल मूल्यांकन पत्र संग्रहण का दायित्व भी कक्षा अध्यापक का होगा। ये विशेष ध्यान रखें कि वितरण और संग्रहण का काम हमें कक्षा अध्यापक का ही होगा, विषय अध्यापक का नहीं होगा। विद्यार्थी स्वयं विद्यालय आकर अथवा शिक्षक होम विजिट से हल मूल्यांकन पत्र संग्रहण करेंगे। संस्था प्रधान प्रत्येक कक्षा अध्यापक द्वारा हल मूल्यांकन प्रपत्रों का संग्रहण दिनांक 13/9/2021 तक कर लिया गया है ये सुनिश्चित करेंगे। अब आप देखिए इसमें नोट डाला हुआ है कि मूल्यांकन प्रपत्र की प्रिंटिंग का कार्य जो है वो विद्यालय स्तर पर किया जाना है। इस हेतु आवश्यक राशि का व्यय विद्यार्थी कोष या SFG दोनों में से कहीं से भी आप इसमें व्यय कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इसे विद्यार्थी कोष या SFG से इनकी प्रिंट की जो खर्च आएगा, लागत आएगी, वो उसमें इसका बिल लगा सकते हैं। अगला देखते हैं मूल्यांकन प्रपत्र की जांच कैसे होगी। तो मूल्यांकन हेतु सभी विषयों के प्रश्न पत्रों की उत्तर की विद्यालयों को प्रत्यक्ष उपलब्ध करवाई जाएगी। मूल्यांकन प्रपत्र की जांच विषय अध्यापक द्वारा 16/9/2021 तक कर कक्षा अध्यापक को विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों की लिस्ट उपलब्ध करवाएंगे। अब मूल्यांकन किसको करना है, तो मूल्यांकन करेंगे विषय अध्यापक और 16/9/2021 तक इस काम को कंप्लीट करके वापस से ये सारी रिपोर्ट कक्षा अध्यापक को सौंपेंगे कि इतने बच्चों के इतने प्राप्तांक आए हैं, इस चीज़ की पूरी लिस्ट बना के वो कक्षा अध्यापक को सबमिट करेंगे। कक्षा अध्यापक समस्त विषयों के अध्यापकों से विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को एकत्रित कर शाला दर्पण मॉड्यूल पर 18/9/2021 तक अनिवार्य रूप से इसकी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे। फिर उसके बाद काम शुरू होता है, इस जो नंबर आएंगे उनको सब प्राप्तांकों को शाला दर्पण पर 18/9/2021 तक अपडेट करना है, जिसकी हम जानकारी के लिए आपके लिए पृथक से वीडियो बना देंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहें। गैर सरकारी RBSC विद्यालयों हेतु परख संबंधी प्रमुख निर्देश।
जिसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। ये सारी चीज़ें सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए थी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास में आने वाला बेल आइकन को कर लें ऑन, वीडियो को कर दें एक बार लाइक और अपने साथियों तक कर दें शेयर। धन्यवाद।